सभी का स्वागत करती हूँ। नवरात्रि की पहले तो सबको शुभकामनाएं। और सैटरडे आज है और एस्ट्रोलॉजी सीरीज में हमारे साथ है गुरुजी, जो जिनको पापा के नाम से जानते हैं, किरण ठक्कर जी। आपका गुरुजी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम। जय गणेश, जय माता जी। सबको जय माता जी। और एस्ट्रोलॉजी सीरीज में जिन्होंने डिटेल भेजा है उनमें से आज हम 4 या 5 लोगों के क्वेश्चन हम लेंगे। और जो भी तालुका लीलिया डिस्ट्रिक्ट अमरेली, ऐसा उनका जन्म का स्थान है। और उनका प्रश्न ये है कि उन्होंने कुछ उनका जो मकान है वो बेचने के लिए रखा है, लेकिन वो बिक नहीं रहा है काफी टाइम से। 22 फरवरी 1961 जी शाम को 8 बजे अमरेली जी, ठीक है, उनका सिंह लग्न कुंडली आ रहा है और अभी उनकी कुंडली में लग्नेश नीच राशि में है, जो उनकी शारीरिक और मानसिक अवस्था काफी बिगाड़ सकता है। हाँ, अगर उनका प्रश्न उनकी प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, वो आपका 24 दिसंबर के बाद में वो प्रश्न उनका सॉल्व हो जाएगा। 24 दिसंबर के बाद में वो उनका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा और तब तक गणपति मंत्र और गणपति अथर्व से इस पे खास ध्यान देवे, ठीक है। और हर मंगलवार को एक नारियल और 250 ग्राम मिश्री गणपति मंदिर पे रखे, जिससे उनको काफी अच्छा फायदा रहेगा जी। तो धीरू भाई जी, आपने सुन लिया होगा, आप जो अपने प्रॉपर्टी बेचने के लिए आपने जो प्रयत्न किया है उसमें अभी आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन गुरु जी ने कहा है कि 24 दिसंबर के बाद आपका ये काम हो जाएगा। लेकिन आपको जो करना है गुरु जी ने बताया है उसी तरह से आप उनको फॉलो कीजिएगा तो ज़रूर आपको उसमें सफलता मिल सकती है। दूसरे जो है वीरल पारेख है, उनका बर्थ डेट है 26 फरवरी 77, ये भी फरवरी का ही है जी, बट उनका 26 फरवरी 77 उनका है। और उनका बर्थ टाइम 5:50 मॉर्निंग है। और उनका जन्म स्थान उन्होंने शायद नहीं लिखा है, शायद सूरत ही होगा। उन्होंने अपना प्रश्न लिखा है कि उनको सिंगर जो सिंगिंग वो अच्छा करते हैं तो उनमें उनका फ्यूचर कैसा है। और मकर लग्न कुंडली आ रही है, मकर लग्न का मालिक कर्क राशि में, बहुत ही बढ़िया है, ये सिंगिंग भी कर सकते हैं और सिंगिंग के साथ में राइटर भी बन सकते हैं। काफी बढ़िया कुंडली है, कोई टेंशन नहीं है, सिंगिंग भी करे और साथ में राइटर भी आप बन सकते हैं जी। उन्होंने वही पूछा है कि सिंगर अगर मैं बनना चाहता हूँ तो किस तरह से आगे बढ़ सकता हूँ। हाँ, उसके लिए प्रसिद्धि कब मिलेगी जी? जी, अभी उनका योग चल ही रहा है, वो बेटर रहेगा उनके लिए समय 25 जनवरी के बाद में, जब शनि उनके चंद्र के नक्षत्र में आएगा उनके बाद में उनका काफी बेटर रहेगा जी। और उनका दूसरा प्रश्न भी है जी, उनको बिजनेस करना है बट कम इन्वेस्टमेंट हो, और कौन सा बिजनेस करे जिनमें जल्दी से उनको सफलता मिल पाए। वही सिंगिंग और राइटिंग, अपना नॉलेज बेचे, नॉलेज मतलब राइटिंग करे, स्टोरी लिखे या कोई भी राइटिंग में आप जाओ जी, वो उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। राइटिंग में बहुत ही पावरफुल रहेंगे वो जी, तो नॉलेजेबल इंसान है, बहुत ही बढ़िया नॉलेज है, तो उनका उपयोग सदुपयोग करें। अभी थोड़े डिप्रेशन में है, वो कुछ बड़ी बात नहीं, वो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं जी। तो उनके लिए उपाय कुछ गुरु जी? जी, इनको एक तो पहले तो उनको शनि पहनाइए, जो उनकी कुंडली का मेन मालिक है, वो वक्री है, प्रॉपर डिसीजन लेना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है, वो डिसीजन लेने में बहुत ही घबरा जाते हैं और घबरामण में जो डिसीजन लेते हैं वो उनके अगेंस्ट में आके खड़े रह जाते हैं। तो वो पहले शनि पहनाओ और बुध पहनाओ, भाग्य स्थान का मालिक वीक है, जो उनके लिए बहुत ही दिक्कत कर रहा है, जो मेहनत कर रहे हैं वो हिसाब से उनको रिजल्ट कम मिल रहा है, तो उनको शनि और बुध धारण करें। और हर शनिवार को, हर शनिवार सुबह में गाय माता को हरी घास खिलाए, उससे उनको काफी फायदा रहेगा जी। तो वीरल जी, आपको जो गुरुजी ने बोला है उस पे आप फॉलो कीजिएगा और जरूर आपको सफलता मिलेगी। और आप सिंगिंग काफी अच्छा भी करते हैं,
तो आप उसी में ही थोड़ा सा ध्यान दीजिए ज्यादा, और उसी में ही आप आगे बढ़ सकते हैं ऐसा गुरु जी ने बताया है। तो आगे चलते हैं और आरती मालके जी का जो है प्रश्न, बर्थ डेट उनका है 13 जुलाई 83, टाइमिंग है उनका 2 बजे दोपहर को, और जन्म स्थान उनका अमृतसर है। अगर वो किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो वो कैसे करें, मतलब कर सकते हैं? जी, पार्टनरशिप 100% कर सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा हो अपना दिमाग ज्यादा लगावे और अपने खुद के अंडर में काम करे बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि पार्टनरशिप का मालिक शनि उच्च का है। पार्टनरशिप होगी 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 100% होगी, लेकिन वो मंगल के नक्षत्र में, तो वो पार्टनरशिप में थोड़ा मेहनत ज्यादा रहेगा इनके लिए, खुद के लिए। तो खुद का इन्वॉल्वमेंट वो ज्यादा रखेंगे तो वो पार्टनरशिप 100% सक्सेस रहेगी, ये इनके लिए जरूरी है। उनकी खुद की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही होनी चाहिए। पार्टनरशिप होगी, सक्सेस भी हो सकती है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहनी चाहिए तभी वो सक्सेस हो सकती है। हाँ, दिमाग एक स्टेबल नहीं है, कभी घूमता रहता है, तो वो उनको बोलिए कि थोड़ा माइंड थोड़ा सेटअप सही करे, नेगेटिव सोच निकाले, बस ये इनके लिए खास बताना जरूरी है। तो आरती जी आपने सुना होगा, उस तरह से आप लोगों की बात में आके गलत डिसीजन लेना, ये थोड़ा इनके लिए वही थोड़ा है। आप तो उनका उपाय गुरु जी, उनको अगर स्टेबल जी, उनको हर शुक्रवार को एक श्रीफल और 250 ग्राम मिश्री गणपति मंदिर में रखना है जी। और हर शनिवार को गाय माता को गुड़ खिलावे, उससे उनको पार्टनरशिप में भी बढ़िया रहेगा और मेंटली भी पीसफुल बहुत ही बढ़िया रहेगा। डिसीजन पावर स्टेबल रहेगा, डिसीजन पावर में थोड़ा गड़बड़ी होती है, वो बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। ये दो चीज उनके करवाई जी। और दूसरा है मनीष जी का प्रश्न है, उनका बर्थ डेट है 20 अप्रैल 72। बर्थ टाइम उनका फिक्स उनको पता नहीं है, बट उनका जन्म स्थान अमृतसर है। बर्थ टाइम के बिना तो देख नहीं सकते। हाँ, अगर उसने उन्होंने प्रश्न पूछा है तो वो बंदा भी कहाँ पे है, तो वो हिसाब से उनका प्रश्न कुंडली लगा के देख सकते हैं। हाँ, तो मतलब उनका अमृतसर में जन्म स्थान है, उनका प्रश्न भी यही है कि अगर मैं किसी से पार्टनरशिप करता हूँ तो उनको नहीं, एट प्रेजेंट वो कहाँ पे है? एट प्रेजेंट यहाँ पे सूरत में है। हाँ, तो वो सूरत उनका जन्म स्थान गिना जाएगा जी। ओके, तो उसी हिसाब से उनका ये है कि पार्टनरशिप में उनको सफलता नहीं मिल रही है, तो पार्टनरशिप करे वो सही है या क्या करे? जी, इनके नाम से पार्टनरशिप नहीं कर सकते। वो पार्टनरशिप करता है, करना है तो सिर्फ अपने जीवन साथी को ही पार्टनर बनाए, उससे ही उनको लाभ मिलेगा जी। अगर दूसरे को पार्टनर बनाने जाएंगे तो वो खा जाएंगे सारा उनका। उससे बेटर है कि अपने जीवन साथी को पार्टनरशिप बनाए तो उनके लिए बेटर रहेगा जी। बट अभी तक जहाँ जहाँ भी उन्होंने पार्टनरशिप किया है वहाँ उतनी सफलता नहीं मिल रही। नहीं, वो तो दिख रहा है, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि उनके जीवन में पार्टनरशिप नहीं है। वो एक ही इंसान को पार्टनर बना सकते हैं, अपने जीवन साथी को, कहीं पे भी घर में ही रहेगा ना जी। जो भी पार्टनर, अभी उन्होंने कुछ ऐसा भी लिखा है कि अभी उन्होंने कुछ पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है, तो क्या वो आगे चलेगा या नहीं? उनके लिए पार्टनरशिप का नाम चेंज करना पड़ेगा। अगर उनकी मिसेस की कुंडली आती है तो उनके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं और उनकी देख के बता सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में इनका नाम नहीं रहेगा, ये पक्की बात है जी। तो मनीष जी, आपने भी सुना होगा कि जिस तरह से आपको पार्टनरशिप नहीं शूट होगी, आपको या तो पर्सनल खुद का कुछ करना पड़ेगा तो ही आप शायद सफल हो सकते हैं। एक बात इनकी एक देखने को आई है, बिना कारण सबको सलाह देना इनकी फितरत है, तो उनको बोलो ये बंद करें, नहीं तो ये क्या है, अपने ही जाल में फंस जाते हैं। बिना कारण सबको सलाह देना ये इनके नेचर में है जी। तो वो थोड़ा जी। तो उनके लिए कोई उपाय गुरुजी है? जी, है ना, रोज सुबह में, डेली सुबह में दूध में मिश्री डाल के शिव मंदिर में उनको चढ़ाना है। डेली सुबह
दूध में मिश्री डाल के डेली सुबह चढ़ाना है, उससे उनका मान सम्मान इज्जत भी बढ़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा नेचर वाला इंसान है। लेकिन थोड़े से माइनस पॉइंट तो हर एक मैटर रहते हैं, जैसे बिना कारण किसी बिना पूछे किसी को सलाह देना, ये सब उनकी फितरत। लेकिन इमोशनली है, सही है, लेकिन फिर भी उनकी जो वैल्यू होनी चाहिए, काम में वैल्यू होनी चाहिए, घर में वैल्यू होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। तो दूध में मिश्री डाल के रोज शिवलिंग पे चढ़ावे और गाय माता को गुड़ डेली खिलावे जी। और सबसे बेटर, अगर उनको जीवन में परिवार में पैसा चाहिए और मान सम्मान चाहिए, प्रगति चाहिए, तो एक नारियल और 250 ग्राम मिश्री हर बुधवार को गणपति मंदिर में रखे, जो उनको लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। मनीष जी, आपने सुन लिया होगा गुरु जी ने क्या बताया है, उसी तरह से आप भी फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई भी और मतलब इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो आप गुरु जी से मिल सकते हैं। और आज हम इतने ही प्रश्नों को वाचा देते हैं, क्योंकि अगले एपिसोड में और ज़्यादा हो जाएंगे प्रश्न, तो तभी हम करेंगे। आज थोड़ा सा लेट भी हुआ है, और जिस तरह से अभी नवरात्रि चल रही है तो फिर से आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। लेकिन बहुत जल्द दिवाली आ रही है, तो दिवाली के लिए गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं। दिवाली पे हमने जो लास्ट टाइम बोला था, धन कुबेर पोटली और श्री यंत्र जो सिद्ध करके दे रहे हैं हम जी। तो काफी लोगों ने इंक्वायरी के बाद में बुकिंग भी करवाई है जी। अभी तक लगभग 20-25 बुकिंग हुई है, 20 या 22 हुई है जी। तो जिन्होंने बुकिंग करवाई है उनकी बर्थ डिटेल चाहिए और उनका गोत्र क्या है वो चाहिए, वो आप मंगवा लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है जी। उनके नाम से उनके गोत्र के अनुसार ही होगा। दूसरा, उनके घर में जो भी कमाई करने वाला इंसान है उसका ही बर्थ डिटेल चाहिए, क्योंकि ये पोटली उनके नाम से ही सिद्ध होगी जी। जैसे घर का कोई बुजुर्ग उनका नाम नहीं चलेगा, जो कमाई करने वाला है उनका ही नाम और उनका ही बर्थ डिटेल लीजिए। जिन जिन की कुंडली, जिन जिन लोगों ने ये बुक करवाई है उनका लिस्ट आपके पास है ही, तो आप देख लीजिए, तो वो खास एक ध्यान दीजिए और उनका बर्थ डिटेल और गोत्र खास ले लीजिए, क्योंकि उनके नाम से ही सिद्ध करनी है तो फिर ये जरूरी है जी। और हमने बताया था उसी तरह कि हम 50 लोगों को ही ये शायद हम दे सकते हैं, और 50 लोगों को शायद कुछ और भी हम उसके हाँ उनके लिए एक सर्व संकट निवारण एक पोटली हम एक्स्ट्रा बना रहे हैं, वो 50 लोगों को ही देनी है। तो वो इसलिए है कि जो आपके घर में आपके परिवार में जो नेगेटिविटी है, जो गलत ऊर्जा का वास है, निवास है, जिसके कारण घर में कंकास होता है, बिना कारण के कुछ दिक्कतें होती है, पैसे नहीं टिकते, तो वो पोटली इसीलिए दी जाती है। वो 7 बार घर में घुमा के उसको बाहर ले जाके जलानी पड़ती, तो वो 50 लोगों को ही दी जाती है। अभी 20-22 लोगों का तो ऑलरेडी बुकिंग हो चुका है, तो फिर बाकी और जो भी आएगा वो आप देख लीजिएगा। लेकिन जो भी बुक करवाता है उसका बर्थ डिटेल चाहिए, बर्थ डिटेल चाहिए और गोत्र चाहिए, और वो डिटेल जो घर में कमाई करने वाला इंसान है उसकी ही चलेगी जी। जैसे हमारे पापा है और वो रिटायर्ड है, तो उनकी नहीं चलेगी, क्योंकि ये धन कुबेर पोटली उसी को फल देगी जो कमाई करने वाला है। रिटायर्ड आदमी लोग कमाई करने नहीं जाएगा, उनके लिए क्या फायदा। बिल्कुल 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 सही बात है। तो एक खास ध्यान जी, और ये खास ऐसा है कि साल में एक ही बार ऐसा दिन आता है, उसी दिन में ये सिद्ध होती है, सिद्ध करते हैं, और आपको उसका बेनिफिट बहुत मिलता है। मतलब धन कुबेर जो पोटली बोलते हैं और साथ में श्री यंत्र भी आता है उसे, वैसे ही लोग आजकल घर में श्री यंत्र रखते हैं कि ताकि घर में पैसा आए ज्यादा, तो वैसे ये दोनों साथ में सिद्ध करके यहाँ से दी जाती है, मतलब गुरु जी के द्वारा वो किया जाता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर जो हमने दिया है वहाँ पे आप आपका डिटेल भेज के आप बुक करवा सकते हैं, क्योंकि अब दिन बहुत कम है, दिवाली बहुत जल्दी आने वाली है, और अभी ये बुकिंग सिर्फ एक वीक ही चलेगा, नेक्स्ट सैटरडे तक ये बुक होगा, उसके बाद ये हम बुक नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारा काम होता है, प्रोसेस है, क्योंकि बहुत सारे जैसे आप बताइए गुरुजी की क्या प्रोसेस है, जिसके लिए उनका जो सामान लाना पड़ता है, जैसे उनकी कुंडली के मुताबिक उनके ग्रह नक्षत्र के अनुसार जो भी विधि का काम है
वो हिसाब से उनके लिए जो सामान नक्की किया जाएगा ग्रह नक्षत्र के अनुसार वो लाना पड़ता है, तो लंबा प्रोसेस है। और 11 ब्राह्मण पूरा 3 दिन के लिए पूजा करेंगे, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो ये अगले हफ्ते तक ही बुकिंग लेंगे, उसके बाद में वो नहीं ले सकते इसके लिए। तो ये जिसको भी अगर चाहिए तो जरूर से जल्दी से आप बुक करवा लीजिए, क्योंकि ये मर्यादित समय के लिए है और मर्यादित है। तो आज का एपिसोड हम यहाँ पे जी खत्म करते हैं, और नेक्स्ट शायद आएगा यही दिवाली पे ही आ जाएगा हमारा एपिसोड। तो अगर आप भी आपके बारे में जानना चाहते हैं, अगर आपको भी आपके कोई प्रश्न पूछने हैं, तो जरूर आप आपका बर्थ डेट भेजिए, आपका बर्थ प्लेस भेजिए, बर्थ डेट भेजिए, साथ में आपका नाम भेजिए। अगर नाम आप भेजना नहीं चाहते हैं तो कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं नाम में, क्योंकि अगर आप नहीं बताना चाहते तो वो भी पॉसिबल है। तो आप जरूर डिटेल भेजिएगा हमें, फ्राइडे 5 बजे तक आपको ये डिटेल्स आपका भेजना है, तो हम सैटरडे लाइव में आपकी जन्म कुंडली हम देख सकेंगे और आपको उपाय जो भी होगा वो बताएंगे यहाँ से गुरुजी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, फेसबुक पेज लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन क्लिक कीजिएगा, और हमारी जो वेबसाइट है वो भी ज़रूर आप विजिट करिए, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए। तो मिलते हैं वापस, तब तक के लिए नमस्कार और जय गणेश। जय गणेश, जय गणेश।